राजस्थान के भिंडर में कंपनी के नाम से विज्ञापन करते दो बदमाशों ने महिलाओं के हाथ की चुड़ियां उड़ा ले गए। महिलाओं को भनक भी करीब 20 मिनट के बाद लगी, तब तक बदमाश भाग चुके थे। घटना भिंडर नगर के बुहरवाड़ी क्षेत्र में दोपहर 12 बजे हुई, जब दो महिलाओं से जेवर चमकाने के बहाने सोने की चुड़ियां लेकर दो बदमाश फरार हो गए। महिलाओं को चोरी की भनक बदमाशों के फरार होने के ठीक 20 मिनट बाद लगी। इसके बाद सूचना पर पुलिस ने आसपास के क्षेत्रों में खोजबीन की, लेकिन सफलता अभी तक हाथ नहीं लगी है। तो वो लोग आए ना, हमारे को वो उजाला का प्रोडक्ट था पाउडर, वो हमारे को दिया। फिर उसने हमके ऐसे ऐसे बर्तन लिए हमारे पास से, वो पाउडर डाला और उसको घिसा, घिस करके एक थोड़ा सा कोई नमक जैसे स्टोन था वो भी पानी में डाला, ऐसे ऐसे हो जाएगा। फिर उसके पास कुछ था प्रोडक्ट, तो उसके डिब्बे में से निकाल के हमारे को एक प्लेट के अंदर रख के बताया कि देखो ये कैसा लग रहा है। मेरे को कोई नॉर्मल है, वापस उसमें पानी डाला, पानी डाल के फिर बोला कि कैसा लग रहा है। मेरे को हाँ ठंडा लग रहा है। फिर हमारे हाथ में गोल्ड की चूड़ियाँ पहन रखी थी, उसने चूड़ी के ऊपर वो पाउडर लगाया तो इसको है ना हल्दी में धोना। तो आप हमारे पास से टिफिन का डिब्बा मंगाया और डिब्बा मंगवा के उसमें पानी भरवा के उसमें हल्दी डाल के हमारे को बोला कि उसके चूल्हे के ऊपर रखो। उधर आके फिर उसने क्या कि पूरा पानी बिखेर डाला, ऐसे डाल दिया और जैसे वो उसको सफाई करेंगे उसके अंदर से उसने चूड़ी निकाल के ले गया। फिर डिब्बा बंद कर लिया, अभी मत खोलना अभी उबलेगा, फिर बाद में खोलना। और हम देखे तो डिब्बा चूल्हा बंद कर लिया और वो रवाना। तो 11:30 और 12 के बीच में बोरावाड़ी में सकीना वाइफ ऑफ असगर अली के पास दो लड़के आए थे जो उजाला प्रोडक्ट का नाम लेकर आए और पहले कढ़ाई चमकाई और कढ़ाई चमकाने के बाद गहने चमकाने की बात कही और उनको विश्वास में लेकर पानी गर्म करके इसमें हल्दी डालकर सोने की चार चूड़ियाँ अंदर रखाई और कुछ देर बाद उनको कहा कि पानी से बाहर निकाल देना और वो लड़के वहाँ से चले गए। जब वो लोगों उन्होंने देखा तो उस पानी के अंदर सोने की चूड़ियाँ नहीं थी। इस प्रकार से उन लोगों ने इनके साथ ठगी की, जैसे पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया है और अज्ञात मुलजिमों की तलाश जारी है, टीम गठित कर ली गई है। और संदेहास्पद बात यह है कि ऐसी ही घटना दलोड में और भानपुरा में और मंदसौर में भी हुई है और चारों जगह पीड़ित जो है बोरा समुदाय से हैं। और हम विभिन्न पहलुओं से बात कर रहे हैं, हम मंदसौर से बात की है और जो ही सस्पेक्टेड के बारे में पता लगकर निस्तारण किया जाएगा।